केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 30 मार्च को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। इस कार का नाम टोयोटा मिराई है, यानी भविष्य। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत पेट्रोल डीजल को आयात करता है और पेट्रोल डीजल से प्रदूषण भी बहुत होता है। टोयोटा मिराई एक एडवांस कार है जिसमें एडवांस फ्यूल सेल है। ये कार एडवांस सेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली पैदा करती है और फिर ये कार दौड़ती है। इस कार में उत्सर्जन के रूप में केवल पानी निकलता है। इस एडवांस कार के जरिए नितिन गडकरी यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, क्योंकि ये कार पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और इससे किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं फैलता है। इसके विपरीत पेट्रोल और डीजल वाली कारें ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। इस एडवांस कार को टोयोटा कंपनी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और संसद में पहुंचने के बाद ये कार लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई। तो पहले सुनिए नितिन गडकरी ने क्या कहा। पेट्रोल डीजल और गैस की लगातार कीमतें बढ़ रही है, हम उसे इम्पोर्ट भी करते हैं। प्रदूषण के दृष्टि से भी पेट्रोल डीजल का प्रदूषण बहुत होता है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी नीति है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे सामने रखा है वो पूरा करने के लिए हमें फ्यूल में भी आत्मनिर्भर होना होगा, और इसलिए हाइड्रोजन के तीन प्रकार हैं। एक पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा 1 रुपये पर किलोमीटर है, इसका ज़्यादा से 1.5 रुपये से 2 रुपये आएगा। तो कल्पना यह है कि कोयले से जो बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है और पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, पर हमें ग्रीन हाइड्रोजन ही तैयार करना है और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट से दृष्टि से एकदम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए पूरक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो गाड़ी है ये हमारा, इसका नाम ही जो है वो फ्यूचर है, भविष्य। एक्चुअली इसका इसका जापानी नाम क्या है? मिराई। मिराई ये नाम है, मिराई का अर्थ होता है भविष्य। तो ये दुनिया का भविष्य है और ये इसके कारण पेट्रोल डीजल का जो आज कीमतें बढ़ी वो हमको भुगतना ही होगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशंस आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हमारा इम्पोर्ट कम होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। इस कार के बारे में नितिन गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने ग्रीन हाइड्रोजन को पेश किया है जो पानी से पैदा होता है। ये कार पायलट प्रोजेक्ट है, अब देश में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण शुरू होगा और आयात पर अंकुश लगेगा, इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 16 मार्च को नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आरके सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड के MD मासाकाजो योशिमुरा, TKM लिमिटेड के VC विक्रम किर्लोस्कर और अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी और इस तरह 2047 तक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने इंडियन मार्केट में हाल में अपने हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई लॉन्च की थी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली देश की इस पहली कार को गडकरी ने ही लॉन्च किया था। गडकरी ने इस कार को फ्यूचर यूं ही नहीं बताया। दिलचस्प बात यह है कि कार के नाम का अर्थ भी यही है। जापानी भाषा में मिराई शब्द का मतलब ही फ्यूचर यानी भविष्य है। टोयोटा ने इस कार के लिए हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल सिस्टम डेवलप किया है। दरअसल ये भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो हाइड्रोजन यूज कर चलने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। इसके फ्यूल टैंक से हाइड्रोजन की सप्लाई फ्यूल सेल स्टैक को की जाती है। ये कार चारों ओर हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खींचती है, फिर इन दोनों गैसों के केमिकल रिएक्शन से पानी और बिजली जनरेट होती है। बिजली का इस्तेमाल कार को चलाने में होता है जबकि पानी साइलेंसर से बाहर आ जाता है।